हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग चल रहे हैं पार्क, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बहुत दूर नहीं जा सकते ना, तो अभी मूड भी नहीं था, थकान हो गई थी बहुत घूम घूम के। तो चलिए आज आपको दिल्ली के पार्क दिखाते हैं। यहाँ पर फ्री में एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई हैं, तो आइए विजिट करते हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में एंट्री कर चुके हैं। ये आंटी लोग बैठी हैं, इधर प्लेग्राउंड है, बहुत बड़े एरिया में है ये। सब लोग शाम को आ जाते हैं यहाँ पे टहलने घूमने, क्योंकि गांव तो है नहीं, द्वारा है, खेत है, चलो टहल घूम ले। यहाँ पार्क ही एक सहारा है। किसी किसी एरिया में तो पार्क होता भी नहीं है, थोड़ी अच्छी सोसाइटी में पार्क होते हैं। और ये देख सकते हैं इधर घास लगी है, लोग बैठते हैं आके। इधर बच्चों को साइकिल चलाने नहीं देते हैं, बस ला के रख सकते हैं बच्चे, उधर प्लेग्राउंड में चलाते हैं बच्चे खेलने। ये मशीनें लगी हैं यहाँ पे। आ जा बेटा, देख सकते हैं मशीनें सिर्फ बच्चों के झूला झूलने के काम आती हैं, ज़्यादातर एक्सरसाइज भी करते हैं लोग। हम इधर आएंगे, इधर अंकल लोग बैठ के ताश खेलते हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड हो चुके हैं जो अंकल लोग, जो फ्री रहते हैं। तो घर में कितना बैठेंगे, क्या क्या करेंगे घर में। ये मैडम यहाँ पे योगा कर रही हैं, तो बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं। ये सर बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हैं। ये छोटी सी बच्ची सीख रही है, कितना अच्छा लग रहा है। इनकी फीस जो है 700 पर मंथ है, और ये 1 आवर पार्क में ही सिखाते हैं बच्चों को। तो और यूनिफॉर्म के अलग से चार्जेस लेते हैं। पेड़ पौधे, ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छे बॉटल से बने हुए हैं, आप लोग भी घरों में बना सकते हैं अपने। शाम को लोग राउंड लगाते हैं। यहाँ पे फुटबॉल बैट बॉल जैसी चीजें गार्ड अंकल होते हैं तो खेलने नहीं देते हैं, क्योंकि ये घास जो है ना सूख जाती है। ये डहेलिया का फूल है। कितनी अच्छी गार्डनिंग हुई है। लोग देख सकते हैं मेरे बेटे का फरमाइश था कि उसे पनीर का पराठा खाना है। अब इसको हम उल्ट पलट लेंगे थोड़ा ऐसे। बचपन में खाते थे, इसमें हम पनीर की स्टफिंग किए हैं। पनीर मसाले में मिक्स करके, प्याज उसमें है छोटा छोटा बारीक बारीक काट के। तो आप देख सकते हैं नज़दीक से कितना ही ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हैं इनका पनीर रोल रेडी हो गया है झटपट वाला। हम आ चुके हैं किचन में और हम बनाने जा रहे हैं हलवा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हलवा, सूजी का हलवा। और हम इसमें घी डालेंगे भर भर के। तो आप देख सकते हैं इसे हम धीमी आंच पे चलाते हुए लगातार भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सुनहरा हो चुका है, लेकिन हम इसे थोड़ा और भूनेंगे। तो देखिए ये हमारा हलवा बहुत ही सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, इसमें चाशनी भी ऐड कर सकते हैं। हलवा बहुत तरह से बनता है, हर तरीके से हलवा बनाना सिखाऊंगी। बस आप लोग चैनल में मेरे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।
मेरे चैनल को ग्रो कराइए, न्यू न्यू चैनल है तो अभी इसमें और पानी की ज़रूरत है। बेटा थोड़ा पानी और लाइएगा। हलवा बनके रेडी हो गया। हम बना रहे हैं चिप्स आलू का। हमने सोचा कि जब कुछ मीठा हो गया तो कुछ नमकीन भी हो जाए, तो ये आजकल मार्केट में बहुत मिल रहा है ना, होली नज़दीक आ गई है तो रेडीमेड चिप्स ये आलू का आप देख सकते हैं मुँह कैसा है। ज़्यादा नहीं लिया है, पहले ट्राई करूँगी। वैसे निकल तो रहे हैं अच्छे। हम सरसों का तेल यूज किए हैं। सरसों का तेल थोड़ा भारी होता है ना, तो इसमें पीला पीला दिख रहा है। देख सकते हैं मेरा हलवा बन के रेडी हो गया और उसको हमने चिप्स के साथ सर्व किया है। और हलवे में हमने ड्राई फ्रूट से थोड़ी गार्निशिंग कर दी है, थोड़ा सा सजा दिया है। मेरे बेटे को सजी हुई थाली अच्छी लगती है, तो आप नज़दीक से हलवा देख सकते हैं और ये चिप्स हैं। चलिए इसे खा के ट्राई करते हैं कैसी लगी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोग को।